भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम हर जगह अपने भगवान को अपने पास रखना चाहते हैं। वैसे तो वो कण कण में है, लेकिन उनका मंदिर हम हर जगह बनवा देते हैं। ये संस्कृति आज की नहीं बल्कि सालों पुरानी है। हिंदुओं को अपने घर से ज़्यादा मंदिर की चिंता रहती थी। भले ही घर बने ना बने, लेकिन मंदिर जरूर बनना चाहिए। यही श्रद्धा आज से सैकड़ों साल पहले भी थी, जब लोग अपने इष्ट की आराधना करने के लिए उनका मंदिर अपने मोहल्ले गांव के भीतर बनवाते थे। कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तु, जिसे मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने निर्मित कराया था। यह एलोरा जिला औरंगाबाद स्थित लायन श्रृंखला में है। एलोरा की 34 गुफाओं में सबसे अद्भुत है कैलाश मंदिर। इस भव्य मंदिर को देखने के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। यह अपने आप में बहुत ही अजूबा है। इतने साल पहले का बना यह मंदिर आज भी उतना ही सुंदर और भव्य लगता है। विशाल कैलाश मंदिर देखने में जितना सुंदर है, उससे ज़्यादा सुंदर है इस मंदिर में किया गया काम। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर को बनाने में एक दो नहीं बल्कि पूरे 150 साल लगे हैं। जी हाँ, इस मंदिर को बनाने में 100 साल से भी ज़्यादा समय लगा। अब आप सोच सकते हैं कि इसकी कलाकृति कितनी खूबसूरत होगी जिसे बनाने में इतना समय लगा। आमतौर पर कोई भी मंदिर हो जड़ से तैयार हो जाता है, लेकिन एलोरा का ये कैलाश मंदिर सच में भगवान शिव का स्थान रखता है। भगवान के स्थान को बनाने में इसलिए इतने साल लगे और मजदूरों की संख्या 7000 थी। जी हाँ, सही सुना आपने, 7000। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि इसे हिमालय के कैलाश की तरह रूप दिया गया है। तब के राजा का मानना था कि अगर कोई हिमालय तक नहीं पहुंच पाए तो वो जहीं देवता का दर्शन कर ले। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। यह एलोरा की 16वीं गुफा की शोभा बढ़ा रहा है। इस मंदिर का शिवलिंग विशाल काया है, यही इसकी सबसे खास बात है। इस मंदिर को 2 मंजिला बनाया गया है। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की ऊंचाई 90 फीट है। इस मंदिर को बनाने में कई पीढ़ियों का योगदान रहा। सबने अपने हाथों से इसे अंजाम दिया। दिन रात काम करके इस मंदिर को बनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके निर्माण में करीब 40,000 टन बजनी पत्थरों को काटा गया था, तब जाकर मंदिर तैयार हुआ। इस मंदिर के आंगन में तीनों ओर कोठरियां हैं और सामने खुले मंडप में नंदी विराजमान है और उसके दोनों ओर विशाल काया हाथी और स्तंभ बने हैं। ये मंदिर के मुख्य आकर्षण में से एक है। यह दुनिया का एक अनोखा मंदिर है। कृपया आप भी इसको देखने के लिए जरूर जाएं।